तो आज के इस वीडियो में आप लोग को एसर लैपटॉप को अपडेट कैसे करें या फिर एसर लैपटॉप में विंडो 11 अपडेट कैसे किया जाता है इसके बारे में मैं आपको पूरा प्रॉपर गाइड देने वाला हूं। सबसे पहले तो दो बातों का आपको अभी ध्यान रखना है, वो ये है कि आपका लैपटॉप जो है पावर प्लग से कनेक्टेड हो, यानी आपके लैपटॉप का जो चार्जर है वो पावर प्लग में कनेक्ट रहना चाहिए। दूसरा क्या है कि आपके लैपटॉप में प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। अगर आपका लैपटॉप में वाईफाई कनेक्टेड है तो अच्छी बात है, अगर नहीं कनेक्टेड है तो आप अपने मोबाइल फ़ोन का जो डाटा है उससे कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपके मोबाइल फोन में जो इंटरनेट डाटा है वो एक दिन में कम से कम 3 GB तो होना ही चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ राम के प्रजापति, हमेशा की तरह रामजी टेक्निकल चैनल में स्वागत है। आइए अब जानते हैं कि अपने लैपटॉप में विंडो 11 को अपडेट कैसे कर सकते हैं एसर कंपनी के लैपटॉप में। तो ये है मेरा एसर का न्यू लैपटॉप और इसको हमें करना है अपडेट फुल्ली। यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर ये जो आइकॉन है विंडोज का आइकॉन है इस पर हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद से हम यहाँ पर ये जो सेटिंग है मैं आपको पूरा मतलब स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, सेटिंग पे क्लिक कर लेना है। कोई भी आम इंसान भी अपने लैपटॉप को अपडेट कर सकता है, इस तरीके से खुल जाएगा। विंडो 11 का इंटरफेस चेंज हो चुका है। यहाँ पर देखिए विंडो अपडेट का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ कॉर्नर पे भी विंडो अपडेट का ऑप्शन दिया गया है। तो सिंपली यहाँ पर जो विंडो अपडेट है इस पर आइएगा, ऐसे माउस लेकर एंड इस पर क्लिक कर लीजिएगा। सिंपली ऐसे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से जो है ऑप्शन आएगा और यहाँ पर देखिए आ रहा है रिस्टार्ट रिक्वायर्ड, रिस्टार्ट नाउ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आप लोग को थोड़ा प्रॉपर दिखाई दे, इसके लिए मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए थोड़ा सा ये देखिए, ठीक है। सो ऐसा कुछ दिखाई देता है जब हम अपने लैपटॉप में विंडोज को अपडेट करते हैं। तो बेसिकली यहां पर जो आपके सामने इंटरफेस दिखाई दे रहा है ये विंडो 11 ऑपरेटिंग सिस्टम का है, ठीक है, यानी विंडोज 10 से विंडो 11 में इसको अपग्रेड किया गया है। तो यहां पर सामने जो इंटरफेस आता है ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 11 को अपडेट करने का कुछ इस तरीके का रहता है। यहां पर देखिए दिख रहा है विंडो 11 वर्जन 23H2, ठीक है, और इतने सारे अपडेट यहां पर आए हुए हैं। और यहां पर हमें करना क्या है, इसको यहां पर डाउनलोड एंड इंस्टॉल बटन जो दिया गया यहां पे डाउनलोड एंड इंस्टॉल, इस पर हमें क्लिक करना होगा, तभी हमारा सारा का सारा जो विंडो 11 का अपडेट है वो डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। उसके पहले यहां बोला रिस्टार्ट नाउ, बोला रिस्टार्ट रिक्वायर्ड, योर डिवाइस विल रिस्टार्ट आउटसाइड ऑफ द एक्टिव हॉर। तो क्या है कि हमें जब अपने मतलब लैपटॉप को अपडेट करना होता है तो रिस्टार्ट भी जरूरत होती है। तो आप डायरेक्टली यहां से भी इसको डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे क्लिक कर सकते हैं। सो ये क्या होगा कि जो हमारा अपडेट है वो प्रॉपर वे में डाउनलोड और इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा आप डायरेक्टली इसको देखिए यहां पर भी आपको सिंबल मिलेगा। यहां देखिए यहां पर ये कॉर्नर में देखेंगे तो यहां पर एक तरह से आइकॉन आएगा, वो जो है अपडेट का ही होता है, विंडोज अपडेट का। मैं इस पर क्लिक करता हूं, ये क्लिक करूंगा, देखिए ये तुरंत ही आ गया, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ आइकॉन है यहीं पर क्लिक करेंगे डायरेक्ट जो है आपका विंडो अपडेट का जो पेज है वो सामने आ जाएगा और डायरेक्टली अपने यहां पर जाएंगे एंड यहां पर करेंगे रिस्टार्ट नाउ। अब क्या होगा वो आप देखिए थोड़ा सा, बस आपको ध्यान देना है कि आपके लैपटॉप की जो बैटरी है अच्छी होनी चाहिए, नहीं है तो आप इसका जो पावर ऑप्शन है वो उसको रखे ही रहेंगे, मतलब ये इसका जो चार्जिंग वाला जो केबल है उसको हमेशा अपने पावर प्लग में कनेक्ट करके रखिएगा, इसको बिजली की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। भाई रिस्टार्ट हो रहा है ये, ठीक है, ये बिल्कुल न्यू लैपटॉप है जो मैं आपको बता रहा हूँ, रिस्टार्ट हो रहा है यहाँ पर विंडोज अपडेट के लिए प्रिपेयर हो रहा है, ठीक है। सो अब देखिए यहाँ पर अपडेट और अंडरवे, प्लीज कीप योर कंप्यूटर ऑन लिख रहा है ना, मतलब क्या है कि अपडेट होना चालू हो गया है, अब आपको इस लैपटॉप को कंप्यूटर को आपको इसे ऑन करके रखना है, बंद नहीं करना है अपडेट के समय, क्योंकि अगर बंद कर देंगे आपका लैपटॉप अपडेट नहीं होगा। सो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। दूसरी बात मैंने क्या बोली थी शुरुआत में ही कि आपको जो है अपना जो मोबाइल डाटा है अगर आप जो है वाईफाई कनेक्ट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अनलिमिटेड वाईफाई से आपका लैपटॉप बहुत ही जल्दी अपडेट हो जाएगा, लेकिन अगर आपके पास वाईफाई नहीं है और मोबाइल डाटा से आप अपने लैपटॉप को अपडेट कर रहे हैं सो ऐसी कंडीशन में आपको यहां पर थोड़ा सा देखना होगा, या तो आप बहुत जल्दी ही उसको अपडेट कर लीजिए, बहुत ज्यादा समय लगाएंगे तो आपके मोबाइल का जो डाटा है वो भी खत्म हो जाएगा और लैपटॉप जो है अपडेट भी नहीं होगा। तो यहां देखिए अपडेट कितना हो रहा है, कितना परसेंट वो यहां पर दिखाई दे रहा है साफ साफ यहां पर इस एसर के लैपटॉप में ये जो है 24-27% अपडेट हो चुका है कंप्यूटर, देखिए साफ साफ यहां पर दिखाई देगा 100% ये अपडेट हो जाएगा, उसके बाद से लैपटॉप हमारा रिस्टार्ट दोबारा होता है फिर ऑन होता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको बिल्कुल भी कोई भी लापरवाही नहीं करनी है कि आपका जो लैपटॉप कंप्यूटर बीच में ही रुक जाए, रुकता है तो फिर दिक्कतें बढ़ जाती है क्योंकि वो बीच में फिर आप कोई भी काम करेंगे आपका लैपटॉप हैंग करने लगेगा। हमेशा जब अपने लैपटॉप कंप्यूटर को अपडेट करें आपको यहां पर जो है पहला काम ये करना है कि फुल्ली उसको टाइम निकालकर अपडेट कर देना है और अपडेट करते समय कोई भी दूसरा काम नहीं करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर रिस्टार्ट मैंने बोला था ना, रिस्टार्ट होगा तो जब ये 100% अपडेट हो जाता है विंडोज तो ये रिस्टार्ट होता है, सारी सेटिंग्स जो होती है वो कंप्लीट यहाँ पर रेडी होती है, सेट होती है
और उसके बाद से एक फ्रेश लुक के साथ हमारा जो लैपटॉप कंप्यूटर है वो यहाँ पर ऑन होता है। देखिए अब ये रिस्टार्ट हो गया। अब देखिए जब ये रिस्टार्ट होगा दोबारा से आपका लैपटॉप कंप्यूटर अपडेट होने के बाद जब ये दोबारा से रिस्टार्ट होगा तो कुछ इस तरीके से राउंड होगा, स्क्रीन ब्लैक हो जाएगी, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये हमारा न्यू लैपटॉप है। अब नए लैपटॉप में ऐसा हो रहा है तो अगर आपके पास पुराना ओल्ड लैपटॉप है एसर कंपनी का तो या फिर कोई भी कंपनी का तो आपको लगेगा कि भाई ये क्या हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको थोड़ा सा इंतजार करना है, जब भी आप अपने लैपटॉप में विंडोज को अपडेट करेंगे आपके साथ ये घटना होगी होगी, यानी कि आपके लैपटॉप की जो स्क्रीन है वो ब्लैक हो जाए, तो बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करना है, आपको थोड़ा सा इंतजार करना। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो लैपटॉप है वो हमारा अब जो है शुरू हो रहा है, फिर से ऑन हो चुका है, रिस्टार्ट हो गया था विंडो 11 अपडेट के दौरान, अब ये स्टार्ट हो रहा है धीरे धीरे। सो कहने का मतलब ये है, ये जो मेरा लैपटॉप है इसको अपडेट करने में, टोटल अपडेट करने में मुझे कम से कम लगा है एटलीस्ट कम से कम 10 मिनट तो लगा ही होगा। सो आपको भी ये मान के चलना है कि अगर आप अपने लैपटॉप कंप्यूटर को किसी भी कंपनी के लैपटॉप और कंप्यूटर को अपडेट कर रहे हैं तो उसमें जो है 10 से 15 मिनट का टाइम तो लगेगा ही लगेगा।